एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जंतर मंतर संसद मार्ग पर यहाँ भारत के कोने कोने से यहाँ भिन्न भिन्न संगठनों को लेकर यहाँ महिलाएं अपनी आवाज उठाने के लिए, राज्य सरकार को सुनाने के लिए, भारत सरकार को सुनाने के लिए, अपनी आवाज को कहने के लिए भिन्न भिन्न संगठनों के माध्यम से, आपकी आवाज के संगठन के माध्यम से, आज जन कल्याण आशा एवं आशा संगनी एसोसिएशन के माध्यम से यहाँ सभी महिलाएं यहाँ अपनी मांगों को लेकर आई हैं। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि इनकी मांगें क्या हैं, किन मांगों को लेकर यहाँ पर ये आई हैं। अहिल्या साहू। अहिल्या साहू जी, आप कहाँ से आई हैं? झांसी जिले से। हाँ, ब्लॉक बड़ागांव। तो आपकी जो ये भिन्न भिन्न तरीके की जो ये यूनिफॉर्म है, कोई काली पट्टी वाली साड़ी है, कोई ये ब्राउन है, कोई कुछ है, तो ये अलग अलग डिफरेंट तरीके की जो ड्रेस पहन के आई हैं, वो इनके बारे में बताएं। इसलिए कि हम संगनी की ड्रेस है ये वाली, और ये वाली ये जो है जो आशाओं की ड्रेस है। हाँ, और पहले हमारी भी ऐसी थी, अब हम संगनी में जहाँ काम करने लगे 3 साल 2013 से, तब से हम लोगों की ड्रेस चेंज हो गई। आशा और संगनी में क्या अंतर है, क्या क्या इनके काम है? आशा का काम है टीका लगवाना, डिलीवरी करवाना, और समय समय से सभी सर्वे देना। और संगनी का काम यह है कि महीना भर का जितना आशा काम करेगी, वो पूरा रिकॉर्ड रखना अपने पास। आशा का टीकाकरण चेक करना, आशाओं की बजट चेक करना कि कौन सी आशा ने कितनी बजट की है, कौन सी आशा ने कितने बजट की है, पूरे महीने के ब्यौरा हम लोगों को जमा करना पड़ता। हमारी मांग है सबसे पहले तो एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन होना चाहिए, एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन होना चाहिए। जो मानदेय जो और जो संविदा है, इसको हटाना सबसे पहला हमारा मांग है, क्योंकि मानदेय के माध्यम से जो है जिस तरह से लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, उस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए मानदेय के हिसाब से जो लोग काम करते हैं उनको मानदेय इतना कम दिया जाता है, उनका घर का खर्चा नहीं चलता, 100 रुपये 200 रुपये 300 रुपये उनका मानदेय, कभी कभी तो पूरे पूरे महीने में उनको 1500-2000 रुपये मिल पाते हैं। 1500-2000 रुपये में उनका क्या, आप समझते हैं क्या घर का खर्चा कोई महिला चला सकती है? वो अपने घर का खर्चा कैसे चला पाती है 1500-2000 में? हमारी हमारा सबसे बड़े लड़ाई मानदेय और संविदा के लिए। लेकिन ये आप जो ये कहाँ कहाँ से महिलाएं आई हैं? ये हमारी महिलाएं हिमाचल से आई हैं, राजस्थान से आई हैं, यूपी से आई हैं, वेस्ट बंगाल से आई हैं, और खुशीनगर जिले से आई हैं, एटा से आई हैं, सब जगह से आई हैं, सब दूर दूर से। हमारा केवल पूरा संगठन एक राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है, और राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हुए हम इस आंदोलन को और भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अभी दिल्ली का जो वेतन की बात थी, जो यहाँ भी एक आंगनवाड़ी संगठन काम कर रहा था, लेकिन उनकी बातों को एलजी ने मान लिया है और उनका वेतन मान बढ़ गया है। हम उनका बहुत बहुत आभार, दिल्ली सरकार का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने दिल्ली में आंगनवाड़ी संस्था के जो कार्यकर्ता है उनको दुगना वेतन किया है, और एलजी साहब ने भी उसको आदेश को पास कर दिया। ये बहुत बड़ी हमारे लिए अच्छी बात है, और हम चाहते हैं कि बाकी भी राज्य जो हमारे राज्य हैं, वो सारे राज्य इस बात को लेकर आगे बढ़ें, और हमारी आशा कार्यकारिणी संस्था और हमारे आंगनबाड़ी संस्थाओं के लिए वेतन दुगना करें और उनकी जो मांगें हैं उनको पूरा करें। सीमा जी, अभी कुछ महिलाएं ये कह रही थी हमें गुमराह करके हमें यहाँ बुलाया गया है, ये सब उनके विचार हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गुमराह होकर कोई किसी के साथ नहीं आता, जब तक उसकी खुद की मर्जी नहीं होती है वो कोई नहीं आता, गुमराह कोई नहीं होता, ये गलत बात है। एक महिला वो आपके संगठन में आ रही थी और उस महिला को ट्रेन से धक्का दे दिया गया, उसके चोट लगी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। महिलाओं के साथ अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, महिलाएं इतनी परेशान रहती हैं, ट्रेन में जाती हैं, कहीं भी महिलाओं का सम्मान नहीं है, महिला जो है कहीं महिलाओं का उसकी इज्जत का कोई वो परेशानी है, उनको घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं। अभी आपने देखा बढ़ने का चंडीगढ़ का बढ़ने का जो कांड था, जिसमें बड़े बड़े नेता हमारे बड़े बड़े नेताओं के बेटे उस में इन्वॉल्व हैं, हम कैसे सोचेंगे कि हम महिलाओं को सम्मान दिला पाएंगे? हम उन महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और महिलाओं को सम्मान के लिए हम आगे अपनी लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे संगठन यहाँ कई बार धरने प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन उन लोगों का मानना है कि ये अपनी रोटियां सेक रहे हैं ऐसे संगठन। सर, हमारी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, हमारा हम कभी राजनीतिक पार्टी में आगे आएंगे भी नहीं, ना किसी के साथ अपना गठबंधन करेंगे। हम अपना काम बिल्कुल निष्पक्षपूर्ण, भेदभावपूर्ण और बिना स्वार्थ के इस काम को आगे बढ़ाएंगे। हम कोई इसमें राजनीति करने नहीं आए हैं। हाथ टूटा है वो एक आशा कार्यकर्ती है, वो अपनी लड़ाई के लिए आई है, बेचारी उस दुर्घटना में भी उसने अपना मनोबल नहीं तोड़ा है।
अपना मनोबल नहीं तोड़ा है, बेचारी यहाँ तक आई है, कृपया हमारे मांगों को पूरी की जाए, हमको राष्ट्रीय कर्मचारी राज्य सरकार का दर्जा दिया जाए, हमको वेतन वेतन दिया जाए। हम लोग मेहनत बहुत करते हैं दिन रात, राज कर्मचारी का दर्जा आशा को जरूर दिया जाए। अभी जिस महिला के जो चोट लगी है, क्या वो आपका संगठन उनके लिए किस प्रकार की हेल्प करेगा? जी हमारा संगठन सारी हेल्प करेगा जो उनकी मांगे हैं। मैं चाहूंगी मेरी बहनों की मांग पूरी की जाए, और इसीलिए वो इतनी मेहनत से आई, वो आशा है। मैं आंगनबाड़ी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता पांडे बोल रही हूँ, लेकिन हमारे लिए आंगनबाड़ी और आशा में कोई फर्क नहीं है, उनकी भी मांग में है और मेरी भी मांग है, क्योंकि जो उनकी मांग पूरी होगी तभी मेरी मांग पूरी होगी। और हम ये चाहते हैं, जो अगर आशा ये सोचती है कि मुझे यहाँ भेदभाव से बुलाया गया है, तो मैं थोड़ा इसका विरोध करती हूँ। ये भेदभाव नहीं है। जिस प्रकार आंगनबाड़ी इतनी मेहनत करती है, उसी प्रकार एक आशा भी बहुत मेहनत करती है, और जितना आशा मेहनत करती है उतना हम ये समझते हैं कि आंगनबाड़ी कम ही करती है। ममता पांडे जी, इससे पहले धरना हुआ एक महीने, खूब धरना प्रदर्शन चला, उसमें टू चाइल्ड पॉलिसी का एक मुद्दा था, तो उसमें भी आंगनबाड़ी महिलाओं का ये बहुत बड़े पैमाने पे प्रयोग किया गया था। मैं ये कहना चाहूंगी कि सरकार को ये मानना चाहिए कि एक बंधुआ मजदूर से भी कम मजदूरी हमारी लोगों की है, और वो अपेक्षा करे कि मैं अच्छा अपना घर परिवार चलाऊं, अच्छे मैं अपने बच्चों की परवरिश दूं, ना मैं वासा कर सकती है, ना आंगनबाड़ी एक कर सकती है। और उसकी समस्या ये है कि हमारा निवेदन है यहाँ की सरकार से कि हमको सबको इतनी वेतन दिया जाए, अगर वेतन नहीं मन रहा है तो सम्मानजनक सैलरी दिया जिससे मैं अपना जीवन यापन कर सकूं। आप मेरे क्वेश्चन से भटक रही हैं। अभी टू चाइल्ड पॉलिसी को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन बड़े पैमाने पर हुआ, मैं समझ रहा हूँ हुआ था, उसमें आंगनबाड़ी वर्कर्स आशा वर्कर्स को यहाँ लाया गया, बहुत तादाद के अंदर महिलाएं आती थी, पूरा दिन डिस्ट्रिक्ट से आती थी, लेकिन उसके बावजूद उनकी बातों को नहीं रखा गया। नहीं तो ये सरकार की गलती है, क्यों नहीं मानी मेरी बात? माननी चाहिए थी उनको मेरी बात, इतनी मेहनत से देखिए सर, इतनी मेहनत से रखा था, मेरी बहन ने ही रखा था, और मेरी बहन की बात क्यों नहीं मानी गई? क्यों नहीं माने? अरे थोड़ी तो मान लेते, ना ज्यादा मानते, कम से कम थोड़ी तो बढ़ा देते, क्यों नहीं सरकार ने ऐसा किया? उसको करना चाहिए था। राज्य सरकार से आपने इसकी मांग करी, आप डायरेक्ट केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं? जी राज्य सरकार से कर चुके हैं, डायरेक्ट केंद्र सरकार से करेंगे तभी शायद कुछ हो जाए। ये हमारी आशा। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही थी, जो यहाँ टू चाइल्ड पॉलिसी का जो धरना प्रदर्शन हुआ था, उसमें पूरी यूपी में यूपी प्रेसिडेंट हो आंगनवाड़ी की आशाओं की, तो मैं उनको यहाँ लेके आई थी, तो वो हम इसलिए लाए थे, एक तो हमारा वादा खिलाफी आंदोलन चल रहा था उस समय, सरकार ने 2014 के घोषणा पत्र में ये घोषणा की थी, घोषणा नंबर 21 में, कि आशाओं को आंगनवाड़ियों को अगर हमारी सरकार बनती है तो हम उनको शासकीय कर्मचारी का दर्जा देंगे। लेकिन सरकार बनी को 3 साल पूरे हो चुके थे उस समय जब हम आए थे, फिर तभी 11 तारीख को, उससे पहले सरकार का ये था कि आंगनवाड़ी और आशाएं घर घर जाके फैमिली प्लानिंग कराएंगी, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो हमने उनको ये पलटवार किया कि अगर सरकार चिंतित है जनसंख्या को लेके, तो वो दो बच्चों का कानून बनाए। अगर आशाएं आंगनवाड़ी किसी के घर घर जाके ये कहेंगी कि आप दो बच्चे करना, तीसरा ना करना, तो वो ये कहेगा हमारी मर्जी, हम 6 करें 10 करें, हमारी मर्जी है। तो इसलिए हमने कहा कि अगर सरकार चिंतित है तो दो बच्चों का कानून बनाए, सख्त कानून बनाए, तीसरा बच्चा अगर किसी को होता है तो उसका वोटिंग राइट खत्म करे, चौथा बच्चा होता है तो उसको जेल का प्रावधान होना चाहिए। अगर सख्त कानून बनेगा तो फिर क्यों जनसंख्या कंट्रोल नहीं होगी? और रही आंगनबाड़ी की और आशाओं की मांग पत्र की बात, वो मैं मांग पत्र खुद पीएमओ कार्यालय दे के आई थी, और वहाँ से मुझे पोर्टल नंबर भी दिया गया था। मुझे एक हफ्ते बाद मेनका गांधी जी ने वार्ता के लिए भी बुलाया था, उसके बावजूद फिर उन्होंने मुझे घबरा कायदे लिखित में मुझे लेटर भेजा था कि हम इतनी मांगों पे, आप लोगों की 6 मांगों पे हम वार्ता करेंगे, और हम इस पे आप लोगों का विचार चल रहा है। अभी भी एक स्टेटमेंट आया था जो वित्त मंत्री जी का, उन्होंने ये कहा था कि बहुत जल्दी आशा और आंगनवाड़ियों को कामयाबी मिलेगी, अभी जल्दी में आया है 10-15 दिन पहले। तो हमारी बराबर मांगें चल रही हैं, और हम ऐसा नहीं है टू चाइल्ड पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे हैं, टू चाइल्ड पॉलिसी को सपोर्ट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा देश टूटने के कगार पे है। आज हम 1,34,00,00,000 हो चुके हैं, हम टेक्निकली रूप से चीन को क्रॉस कर चुके हैं। अगर हम देखें इसी तरह से हमारा देश में चलता रहा, जो आज गाड़ियों के जाम लग रहे हैं ना, कल को 10 साल बाद आदमियों के जाम लगने संभव है, वो सब होगा अगर हम इस पे नहीं चेते। चीन
दिन से देश ने हम बात करते हैं अदर कंट्रियों की, अदर कंट्रियां, और देखिए हम एक ऑस्ट्रेलिया हर साल बना देते हैं, अदर कंट्रियों में टू चाइल्ड पॉलिसी पहले से ही लागू है, इसलिए वो कंट्रियां डेवलप हैं। हमारे यहाँ वोटों की राजनीति है और ये वोटों की राजनीति ही कुछ नहीं करने देती है, क्योंकि ये नेता लोग हैं ना, जैसे कबूतर बिल्ली को देख के आँख बंद कर लेता है ना, इनको सब कुछ पता है क्या होना है क्या होना चाहिए, लेकिन वही चीज़ है कि जब बिल्ली मुझे नहीं दिख रही, कबूतर सोचता है बिल्ली कैसे देख पाएगी, लेकिन उनको ये नहीं पता ये जनसंख्या रूपी जो बिल्ली है ये मौका पाते झपट्टा मारेगी। तो उसमें ये नहीं, हम किसी एक वर्ग विशेष की बात नहीं करते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ अगर हम देखें जो फॉलो कर रहा है सन 77 से फॉलो कर रहा है, और जिसको फॉलो नहीं करना तो बिना कानून के वो फॉलो नहीं कर सकता। इसीलिए आज देखिए, आज हमारा देश गृह युद्ध की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, बच्चों को 92% नंबर लेने के बावजूद भी डीयू में एडमिशन नहीं है, उस सबका कारण क्या है, पॉपुलेशन, बढ़ती आबादी, इतना सा छोटा सा क्षेत्रफल और इतनी बड़ी आबादी, ये रबड़ तो है नहीं, हमारी आबादी बढ़ती चली जा रही है, संसाधन घटते चले जा रहे हैं, आप कहीं भी देखें रोटी कपड़ा मकान की इतनी बड़ी किल्लत होती चली जा रही है, आप देखें स्कूलों में कॉलेजों में बाजारों में रेलवे स्टेशन पे, यहाँ तक तो क्या शमशान घाट तक भी मारा मारी है। मैडम जी, अभी आपने वोट की बात करी, आंगनवाड़ी पूरे देश के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर है, आंगनवाड़ी एक इतना बड़ा संगठन है, उसके बावजूद भी आप तरह तरह के संगठनों का संग ले रही है, इसका क्या तात्पर्य है? हम जो तरह तरह के संगठनों का, हमारा अपना सेपरेट ही आंगनवाड़ी और आशाओं का संगठन है, क्योंकि आशा और आंगनवाड़ी एक दूसरे की पूरक है, हम जब यूपी में भी लड़े दिल्ली में भी लड़ते हैं तो हम एक साथ आके लड़ाई को लड़ते हैं, क्योंकि अगर पूरी होगी तो, क्योंकि जब सरकार को हम नुकसान पहुंचाएंगे, जब हम ये कहेंगे कि हम काम बंद कलम बंद हड़ताल पे जा रहे हैं, सरकार ये सोचती है आंगनवाड़ी इस काम को नहीं कर रही, आशाओं से करा लेंगे, जब हम आशाओं को भी अपने साथ ले लेते हैं तो फिर वो किससे कराएंगे, तो इसलिए पूरी तरह से हम उसको उनका नुकसान पहुंचाने के लिए ही हम दोनों साथ होकर लड़ते हैं, किसी संगठन का सहारा नहीं लेते। टू चाइल्ड पॉलिसी हमारे एजेंडा में है, हम लोगों से फैमिली प्लानिंग कराया जाता है, अभी योगी जी का एक स्टेटमेंट आया था कि एक किट दी जाएगी और उस किट में जो सामान होगा आंगनवाड़ी आशाएं घर घर जाके उन लोगों को देंगी, फैमिली प्लानिंग कराएंगी, तो बताइए आधे लोग अगर उस किट को आंगनवाड़ी आशाएं घर घर जाके बांटेंगी, आधे हस्बैंड नौकरी छुटवा के घर में बैठा लेंगे, क्योंकि उनके सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि उसका वो जवाब नहीं दे पाती है। मतलब आप आंगनवाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ इस तरीके की बात आ रही है कि आंगनवाड़ी महिला को गुमराह किया गया, आशाओं को गुमराह किया गया, हमें दिल्ली में बुलाया गया। नहीं, वो ऐसा नहीं है, हमें किसी को, देखिए जब हम अपनी आवाज को उठाते हैं तो उसके लिए हमें कई किसी का कुछ तो सहारा लेना पड़ता है, यहाँ जो आशाओं का है, आज ही आशाओं की बात कर रहे हैं, मेरा हालांकि आंगनवाड़ियों वाला स्पेशली नहीं था, जो मेरा सेपरेट संगठन चलता है, तो ये लोग ऑलरेडी यहाँ जुड़े हुए हैं, इनको समझाया गया है आपकी जो मांग जा रही है बराबर, आप मांग पत्र को देख सकते हैं, उसमें कुछ दो चार लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे संगठन के आके उन लोगों को सीधी साधी महिलाओं को गुमराह करने का काम करते हैं कि देखिए ये तो जो है दूसरे संगठन है, ये तो पार्टी है, ये तो वहाँ है, अरे आवाज तो आपकी उठाई जा रही है, आप अकेले जाके क्या प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दे देंगे, अकेले जाके तो कुछ नहीं कर सकते, कहीं तो पैर रखने के लिए जगह मिलती है, उसमें ऐसा नहीं है, ये आशाएं लोग केवल गुमराह हो रही हैं, लेकिन अभी इनको भड़काया जा रहा है, गुमराह होने वाली बात नहीं है, हम हमेशा साथ साथ लड़ाई लड़ते हैं, और अगर परमानेंट वाली बात होगी तो आशा होगी तो आंगनवाड़ी भी होगी, अगर आंगनवाड़ी नहीं होगी तो आशा भी नहीं होगी, दोनों में से होंगे, तो साथ साथ इन दोनों का मैटर चल रहा है, हम जब भी देते हैं साथ साथ ही जो है इस मांग पत्र को देते हैं। धन्यवाद।